चने की फसल पर बड़ा कीटों का अटैक। जी हाँ, महाराष्ट्र में जलवायु परिवर्तन के चलते कृषि फसलों को नुकसान हुआ है। दिसंबर महीने की शुरुआत में हुई बेमौसम बारिश से कभी कभी बढ़ती ठंड से फसलें प्रभावित हो रही हैं। वहीं नंदुरबार जिले में बदलते मौसम की वजह से चने की फसल पर संकट मंडरा रहा है। इससे अब किसानों के सामने दोहरी बुआई की समस्या आ रही है। फसलों पर बड़े पैमाने पर कीटों का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। नंदुरबार जिले में रबी सीजन में बड़े पैमाने पर चना बोया जाता था, लेकिन बेमौसम बारिश और बादल छाए रहने के कारण चने की फसल पर फफूंद जनित रोगों का काफी असर पड़ा है। रोग का प्रकोप पड़ने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इससे चने के पौधे मर रहे हैं और किसानों के सामने दोहरी बुआई की समस्या खड़ी हो गई है। पिछले साल भी चने की कीमत अच्छी रहने से ये देखा गया था कि किसानों ने इस साल रबी सीजन में चने की फसल को प्राथमिकता दी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि किसानों द्वारा उगाई गई चने से अब किसानों को लागत तक निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। किसानों की मांग है कि कृषि विभाग को तुरंत नुकसान की भरपाई देनी चाहिए। किसानों का कहना है कि फसलों पर बड़े रोग का प्रकोप से उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। कुछ स्थानों पर चने के पौधे रोग प्रकोप बढ़ने से मर रहे हैं। ऐसे में किसानों के पास दो बार चना बोने के अलावा कोई चारा नहीं। किसान कृषि विभाग से तत्काल सहायता और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खरीफ सीजन में पहले ही भारी बारिश ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया था। बारिश से किसानों के हाथ आई फसल बर्बाद हो गई और इसमें सोयाबीन, कपास, फलों के बाग की फसलों को तगड़ा झटका लगा था। ऐसे में किसानों की उम्मीदें इस रबी सीजन की फसल पर टिकी थी, लेकिन बदलते मौसम से रबी सीजन की फसल को भी भारी नुकसान हो रहा है। रबी सीजन में भी फफूंद जनित रोगों के प्रकोप से किसानों को दोहरी बुआई की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसान अब चने को लेकर काफी चिंतित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।